अपने इसमें जो जल खनिज लवणों का अवशोषण है, उन खनिज लवणों के अवशोषण की प्रमुख विधियों के बारे में पढ़ा, जिसमें था निष्क्रिय खनिज लवण अवशोषण और सक्रिय विधि थी। अपने निष्क्रिय विधि के बारे में कंप्लीट पढ़ा था कि कौन कौन से सिद्धांत है। उसमें तीन प्रमुख सिद्धांत थे, जिसमें सैंती प्रवाह परिकल्पना, दोनों साम्यवस्था सिद्धांत और आयन विनिमय सिद्धांत। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा, जो किसमें थे, निष्क्रिय खनिज का अवशोषण करने वाले सिद्धांत थे। आज के इस वीडियो में सक्रिय अवशोषण के बारे में पढ़ेंगे कि खनिज लवणों का पादप सक्रिय अवशोषण किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें पढ़ते हैं सक्रिय अवशोषण क्या है। उपापचयी ऊर्जा के सहयोग से वैद्युत रासायनिक विभव के विरुद्ध उपापचयी, यानी इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उपापचयी ऊर्जा के सहयोग से तथा वैद्युत रासायनिक विभव है, वैद्युत रासायनिक विभव के विरुद्ध वैद्युत रासायनिक विभव के विरुद्ध वैद्युत रासायनिक विभव के विरुद्ध आयनों का विस्तरण सक्रिय अवशोषण कहलाता है। विरुद्ध आयनों का विस्तरण सक्रिय अवशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? सक्रिय अवशोषण कहलाता है।
इस संकल्पना को वोन डेन होर्ट ने प्रस्तुत किया। वोन डेन होर्ट ने इस परिकल्पना को क्या प्रस्तुत किया था? अब इसके अनुसार क्या होता है? बन जाते हैं, यानी
बाद में आयन को जोड़ते हैं और आयन समिश्रण बनाते हैं, फिर इसे कोशिका के अंदर ले जाकर आयन को छोड़ते हैं और समय वापस निष्क्रिय अवस्था में आ जाते हैं। तो ये सक्रिय अवशोषण की वाहक संकल्पना कंप्लीट हुई। इसके बाद में सेकंड है संकल्पना, कौन सी? आयन पंप अथवा साइटोक्रोम पंप संकल्पना। आयन पंप या साइटोक्रोम पंप संकल्पना अथवा साइटोक्रोम पंप संकल्पना, तो आयन पंप या साइटोक्रोम पंप संकल्पना में क्या होता है? इसके अनुसार पौधों में श्वसन दर तथा उनके द्वारा रसायनों के अवशोषण में इस सिद्धांत के अनुसार पौधों में श्वसन दर इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? पौधों में श्वसन दर तथा उनके द्वारा रसायनों के अवशोषण में प्रत्यक्ष संबंध होता है। श्वसन दर तथा उनके द्वारा रसायनों के अवशोषण में के अवशोषण में प्रत्यक्ष संबंध होता है। अब इसके बाद
सक्रिय अवशोषण की जो थर्ड विधि है उसमें क्या वैद्युत रासायनिक प्रवणता संकल्पना बताएगी। इस संकल्पना के अनुसार क्या होता है, इस संकल्पना के अनुसार ऋणायन का स्थानांतरण अवरोधक झिल्ली की बाहरी, जो अवरोधक झिल्ली है बीच में, यानी बाहर वाले स्थान और अंदर वाले स्थान के बीच में एक झिल्ली पाई जाती है जो अवरोधक झिल्ली होती है। इस अवरोधक झिल्ली की बाहर वाली और भीतर वाली सतह पर जो उत्पन्न वैद्युत प्रवणता के कारण होता है, इसमें क्या वैद्युत प्रवणता उत्पन्न होती है, इसमें क्या धनायन है वो आकर्षित होते हैं, ऋणायन है वो अंदर की तरफ आकर्षित होते हैं, तो धनायनों और ऋणायनों के विनिमय को वैद्युत प्रवणता कहा गया है। तो इसमें क्या कौन सा एंजाइम प्रमुख भूमिका निभाता है, इसमें एटीपी एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है। तो इस एंजाइम की सहायता से जब वैद्युत प्रवणता क्रिया होती है तो आयन है उनका अवशोषण होता है। तो ये खनिज लवणों के सक्रिय अवशोषण की विधि भी कंप्लीट होती है। तो आज अपने क्या इसमें निष्क्रिय सक्रिय अवशोषण की विधि को कंप्लीट किया। अब लास्ट टॉपिक है आपका जिसे क्या कहते हैं हाइड्रोपोनिक सतह जल संवर्धन। तो हाइड्रोपोनिक सतह जल संवर्धन किसे कहा जाता है, इसके बारे में अपने इस लेसन के स्टार्ट में थोड़ा सा पढ़ा था कि जल में किसी पौधे को पोषक तत्वों की घोल में उगाना जल संवर्धन कहलाता है। तो इसमें क्या इसमें जल संवर्धन में ही पौधे को उगाया जाता है। इस विधि में पौधे को उगाने के लिए जल में पोषक तत्वों का घोल बनाया जाता है, पोषक तत्वों का घोल बनाया जाता है, इसलिए इसे जल संवर्धन कहते हैं। इसलिए इसे कौन सी विधि जल संवर्धन विधि कहते हैं। तो जल संवर्धन विधि में क्या बालू मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता, सिर्फ जल में ही पोषक तत्वों का घोल बनाकर आत्मीय पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, इसलिए इसे जल संवर्धन विधि कहा जाता है। इसके अलावा अपने वर्मी कुलाइट के बारे में पढ़ चुके हैं कि वर्मी कुलाइट क्या होता है। तो वर्मी कुलाइट एक खनिज पदार्थ होता है जो प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा वर्मी कुलाइट में भी पौधों को उगाया जाता है। वर्मीकुलाइट क्या है, एक प्राकृतिक जो अवस्था में पाया जाने वाला एक खनिज पदार्थ है। वर्मीकुलाइट यह प्राकृतिक अवस्था में पाया जाने वाला एक खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थ है जो क्या पादपों को पोषक तत्वों को उपलब्ध करवाता है। अब वर्मीकुलाइट के गुण क्या होते हैं, यह हल्के भार वाला होता है, रासायनिक रूप से अक्रिय होता है और एक बंध्य होता है जिसमें खरपतवार उत्पन्न नहीं हो सकते। इसके अलावा इसके गुण और कौन से हैं, इसमें जल अवशोषण क्षमता उच्च होती है। तो लोग इसके साथ साथ आपने समझ लो कि यह क्या हल्के भार वाला होता है,
यह बंद के प्रकार का है जिसमें क्या ना ही कीट उग सकते हैं ना ही खरपतवार, कीट व खरपतवार नहीं होते। तो ये ध्यान रखना कि जो वर्मी कम्पोस्ट एक पोषक पदार्थ है इसमें जिसका वजन भी हल्का होता है, इसकी जल अवशोषण की क्षमता भी अधिक होता है, और इसके साथ साथ इसमें कीट और खरपतवार वह भी नहीं रह सकते। और इसका एक गुण है, यह क्या वर्मी कम्पोस्ट रासायनिक रूप से अक्रियाशील होता है। वर्मी कम्पोस्ट क्या होता है? रासायनिक रूप से अक्रियाशील। चार नंबर गुण क्या रखेंगे? रासायनिक रूप से वर्मी कम्पोस्ट कैसा होता है? अक्रिय होता है। और इसके अलावा कौन सा इसका गुण है वर्मी कम्पोस्ट का? इसकी ढीली बनावट होती है और यह विघटित नहीं होता है। इसकी ढीली बनावट का क्या तत्व है? तो इसकी ढीली बनावट होती है तो इस कारण पौधों की जड़ें हैं वो लंबी आगे आसानी से गति कर सकते हैं, जिससे जड़ें विकसित होती हैं, जिससे जड़ें अधिक विकसित होती हैं। तो आज आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ जिसमें अपने क्या आज सक्रिय अवशोषण के बारे में पढ़ा, उसके बाद में अपने हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन किसे कहते हैं, और लास्ट में वर्मी कम्पोस्ट यानी वर्मी कम्पोस्ट में पादपों को कैसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और इसके जो गुण थे उनके बारे में अपने लास्ट में यहाँ नोट किया। तो आपने इसे नोट करना है और रिवाइज